खबर छपरा बिहार से, जहां क्षेत्र के कल्याण एवं विकास हेतु एक छोटा सा प्रयास जलालपुर ग्रामवासियों द्वारा किया गया। बता दें चलें कि सारण जिला के भिंदी थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव स्थित श्री श्री मनोकामना कैलाश धाम नवनिर्मित मंदिर श्री गौरी शंकर प्राण प्रतिष्ठा रुद्र यज्ञ का आयोजन दिनांक 3 से लेकर 5 तक 2022 तक होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर जलालपुर गांव के शिव मंदिर के प्रांगण में तैयारियां हो रही हैं। दिनांक 3/5/2022 मंगलवार से 7/5/2022 तक कई कार्यक्रम होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें कलश यात्रा दिनांक 3/5/2022 दिन मंगलवार, जिसमें क्षेत्र के कई महिला एवं पुरुष कलश यात्रा में भाग लेंगे। वही मंडप पूजा एवं जलाभिषेक 4/5/2022 बुधवार को, ऐसे ही कई कार्यक्रम जिसमें यज्ञ अखंड अष्टयाम एवं भंडारा का भी विशेष रूप से कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आरती प्रतिदिन संध्या 6 बजे से एवं प्रवचन कार्यक्रम रात्रि 6:30 बजे से रहेगा। इस कार्यक्रम में जगाधरी श्री श्री 108 विदेशी बाबा महाराज जो की काशी से आएंगे, वहीं आचार्य कमलेश कुमार मिश्र तथा कथावाचक हरेंद्र शास्त्री अयोध्या उत्तर प्रदेश से कथावाचक कर श्रद्धालुओं को प्रवचन प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर जलालपुर गांव में काफी जोरों से तैयारी चल रही है। इस कार्यक्रम को लेकर कमेटी के सदस्य सतीश कुमार सिंह, राज किशोर सिंह गांव के कई लोगों द्वारा मिलकर इस अनुष्ठान का आयोजन भी किया जा रहा है। वहीं पूर्व प्रधानाध्यापक बसंतपुर हाई स्कूल गोपाल प्रसाद सिंह, उमाशंकर सिंह एवं अशोक कुमार सिंह अनुष्ठान को लेकर अपना अपना वक्तव्य दिया। देखिए यह रिपोर्ट। प्राण प्रतिष्ठा भी, इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? मनोकामना कैलाश धाम मंदिर का नव निर्माण किया गया, जिसमें तन मन धन से सारे लोग जो है मंदिर का निर्माण किए, और साथ ही साथ सामने देख के बोलिएगा, सामने देख, साथ ही साथ अभी गौरी शंकर यज्ञ रुद्र महा रुद्र यज्ञ होने जा रहा है हमारे ग्राम जलालपुर में, और इसमें कथावाचक के कथावाचक और यज्ञाचार्य और सभी साधु संत पधारेंगे, और सभी से निवेदन है कि सभी कोई यहाँ यज्ञ में। यह कार्यक्रम कितने दिनों का है और कौन सा दिनांक से चालू? कार्यक्रम 3/5/2022 से 7/5/2022 तक 22 तक है, जिसमें 3 तारीख को जल यात्रा, 4 तारीख को नगर भ्रमण, और 5 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, 6 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, और 6 और 7 से ही रामायण अष्टयाम, और 7 तारीख को पूर्णाहुति, और 7 तारीख को भंडारा का कार्यक्रम संपन्न होगा। इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे? क्षेत्रवासियों के यही कहना है कि तन मन धन से इस यज्ञ में अपना सहयोग दें, शामिल हो और पुण्य का भागी बने। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा अशोक कुमार सिंह, जलालपुर। इस यज्ञ के बारे में आपका क्या कहना है? इस यज्ञ के बारे में कहना है कि हम लोगों के छोटा सा गांव में इतना भव्य मंदिर बना है, जिसमें गौरी शंकर प्राण प्रतिष्ठा रुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है। 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक भव्य आयोजन होगा, सभी साधु संतों का आगमन होगा, और सभी ग्रामवासियों के कल्याण हेतु इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को क्या कहेंगे इस यज्ञ को लेकर आमंत्रण हेतु? क्षेत्रवासियों को हम लोग अपने पूरे ग्रामवासियों के तरफ से आमंत्रण करेंगे कि वे लोग आएं और यज्ञ में भाग लें और यज्ञ को सफल बनाएं। क्या नाम पड़ेगा सर? गोपाल प्रसाद सिंह। कार्यक्रम जलालपुर गांव में किया जाएगा? श्री श्री मनोकामना नाथ कैलाश धाम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। श्री शंकर भगवान एवं पार्वती एवं समस्त पंचदेवा देव भगवान का स्थापना होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा और स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में 3 तारीख से 7 तारीख तक प्रोग्राम है, जिसमें यज्ञ होगा और जलभरी होगा और अन्य कार्यक्रम होगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? उमा शंकर सिंह उर्फ धुरंधर सिंह।